Hello students, in this video we'll do chapter 3, two stories about flying, part 2, Black Aeroplane, and the author is Frederick Forsyth. इस चैप्टर में एक पायलट है जो कि अपने घर इंग्लैंड जा रहा है फ्रांस से होते हुए, और अचानक वो एक स्ट्रॉम में फंस जाता है, तूफान में फंस जाता है। हम देखते हैं कि क्या वो अपने घर वापस सेफली पहुंच पाता है या तूफान में उसकी मदद कौन करता है। तो जो स्टोरी में जो नरेटर है वो एक पायलट है और वो अपने घर वापस जा रहा है फ्रांस से इंग्लैंड। जो शुरुआत में जो मौसम है वो बहुत प्लेजेंट है, बहुत सुहावना है, चांद दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं और बहुत सुंदर लग रहा है मौसम। उसने अपनी जर्नी की शुरुआत किया था सुबह 1:30 बजे 1:30 पे, और उसके बाद उसने अपने शुरुआत किया जर्नी का, और उसके बाद उसने पेरिस कंट्रोल रूम में अपने एरोप्लेन के बारे में, अपनी जर्नी के बारे में बताया। उसने कहा कि वो डकोटा DS-088 एरोप्लेन चला रहा है और जो उसका डेस्टिनेशन है वो है इंग्लैंड। और उसके बाद जो पेरिस कंट्रोल रूम में जो ऑफिसर हैं उसने उसको गाइड किया और कहा कि 12 डिग्री वेस्ट की तरफ अपने एरोप्लेन को मोड़ो। पायलट की जो एरोप्लेन है वो बिल्कुल सही तरीके से आगे चल रहा था, सब कुछ ठीक था, और पायलट एरोप्लेन का जो लास्ट फ्यूल टैंक था वो अब यूज़ हो रहा था एरोप्लेन के द्वारा। और अब पेरिस जो है वो 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका है, वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका है। अचानक वो क्या देखता है, उसके आगे बड़े बड़े काले काले बादल मंडराते हैं, और ये जो बादल हैं, ये जो स्ट्रॉम क्लाउड्स हैं, बड़े बड़े बादल हैं, ये बड़े बड़े माउंटेंस के जैसे लग रहे हैं। अब वो बहुत परेशान हो गया, उसने सोचा कि वो वापस पेरिस नहीं जा सकता क्योंकि पेरिस तो 150 किलोमीटर दूर है, और इसके साथ साथ वो इंग्लैंड जाना चाहता है अपने परिवार के साथ, अच्छा सा बिग नाश्ता करना चाहता है, बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट इंजॉय करना चाहता है, और इसीलिए वो इस स्ट्रॉम में रिस्क लेता है आगे बढ़ने का, क्योंकि वो अपने घर इंग्लैंड में पहुंचना चाहता है और ब्रेकफास्ट को इंजॉय करना चाहता है। उसके बाद जैसे ही वो इन काले काले बादलों के अंदर अपने एरोप्लेन को लेके गया, उसके अंदर जाने के बाद जो एरोप्लेन है उसने वो जंपिंग करने लगा, हिलने डुलने लगा, हवा में लड़खड़ाने लगा, और देखते ही देखते एरोप्लेन का कंपास खराब हो गया, उसमें जो रेडियो था वो रेडियो भी ख़राब हो गया, और थोड़ी ही देर में जो ये पायलट है ये अपना रास्ता भूल गया, ये उस स्ट्रॉम में भटक गया, इसे पता नहीं चल रहा है कहाँ जाए क्या करे। तो उसने थोड़े समय बाद देखा कि इसके आगे एक एरोप्लेन चल रहा है और उस एरोप्लेन की विंग्स में कोई लाइट नहीं है। तो नरेटर देखता है कि आगे एक एरोप्लेन है और वो इसको मदद कर रहा है। नरेटर बहुत खुश हो गया और उस एरोप्लेन का पीछा करने लगा, क्योंकि उस एरोप्लेन के पायलट ने इसको इशारे किए और कहा कि मेरे को फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे अपने प्लेन को उड़ाओ। उसके बाद लगभग आधे घंटे के लिए नरेटर ने उसके प्लेन को फॉलो किया, ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो किया, जैसे कि एक ओबीडियंट बच्चा होता है उस प्रकार उस एरोप्लेन को फॉलो किया, और इस प्रकार इनका जर्नी चलता रहा। और 10 मिनट बाद जो ये ब्लैक एरोप्लेन था इसने अपनी गति को नीचे की तरफ रुख किया, नीचे की तरफ एरोप्लेन चलने लगा, और मैंने भी उस एरोप्लेन का पीछा किया। थोड़ी ही देर बाद जो मेरा एरोप्लेन था वो बादलों से बाहर आ गया और मुझे एयरपोर्ट का रनवे दिखाई देने लगा। मैंने चैन की सांस ली और मैं सुरक्षा के साथ एयरपोर्ट पर उतरा। उसके बाद जो नरेटर है वो कंट्रोल रूम में गया और उसने ब्लैक एरोप्लेन के बारे में पूछा, लेकिन बहुत हैरानी की बात है कि कंट्रोल रूम में जो ऑफिसर था उसने कहा कि उस रात को केवल नरेटर का ही एरोप्लेन आसमान में उड़ रहा था, उसके अलावा कोई भी और एरोप्लेन नहीं था। यह सुनने के बाद जो नरेटर है वो बहुत ज़्यादा एस्टोनिश, मतलब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो सोचता है कि उसने किसने उसकी मदद की सेफ़ जर्नी में, जबकि उसके एरोप्लेन का कंपास भी ख़राब था, रेडियो भी ख़राब था, और उसके पास जो फ्यूल था वो भी पर्याप्त नहीं था। तो ऐसे में उसकी मदद किसने की है, ये नरेटर सोचता रहा। मुझे लगता है कि ये जो नरेटर है उसकी इमेजिनेशन ने उसका मदद किया, उसकी कल्पना शक्ति ने उसकी मदद की, और उसी की वजह से वो सुरक्षा के साथ इंग्लैंड के एयरपोर्ट में उतर पाया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। थैंक यू।